हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। इसके लिए मैंने इसका नाप लिया है। इसकी लंबाई है 13 इंच, ब्रेस्ट 34 इंच, कमर 28.5, आस्तीन लंबाई है 9 इंच और मोहरी है 10.5 इंच, गला है 4.5 और पीछे का 10 इंच। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं इस ब्लाउज की लंबाई रखूँगी 13 इंच, जो मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक 13 इंच पर एक मार्क कर लूँगी और 1 इंच बढ़ाते हुए 14 इंच पे ले लूँगी, क्योंकि मेरे को दोनों तरफ मार्जिन के लिए इतनी सी जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। और यहाँ पर 6 इंच शोल्डर के लिए और 6 इंच नीचे छः छः इंच का यहाँ पर एक डिब्बा तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैं 2.5 इंच गले के लिए और मेरे को गला चाहिए इसका 4.5 इंच, तो मैं यहाँ से लेके 4.5 पर एक मार्क कर दूंगी। यहाँ पर हल्के हल्के से गोल राउंड दे दूंगी इसको। और आगे वाले भाग को 0.5 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक मार्क कर दूंगी। मुझे इस ब्लाउज के ब्रेस्ट है मेरे पास 34 इंच, तो मैं 34 का 4 पार्ट करके यहाँ पर एक मार्क निशान कर दूंगी। मैं लूँगी यहाँ पर 8.5 इंच और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा के ये लाइन डाल दूँगी। अब इसको ये हमारी मेन फिटिंग रहेगी। अब 1.5 इंच मार्जिन के लिए मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। और यहाँ से हल्के हल्के से राउंड पर एक निशान लगा दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर शोल्डर बना दूंगी। 3.5 पर मैं यहाँ पर एक प्लेट्स लगाऊंगी और इधर से 10 इंच ले लूंगी। ये मैंने ले लिया है, अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये आगे का पार्ट हमारे पास कंप्लीट है। अब हम पीछे के पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। पीछे के पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इसको आगे वाले फ्रंट को इसके ऊपर रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके थोड़े से हम बाजू वाले भाग को हल्का सा बढ़ाते हुए इसकी कटिंग करेंगे।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास पीछे वाला, भाग भी कंप्लीट है। अब इस पर भी हम 3.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे पीछे की डाट के लिए। 3.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है और इस पर भी एक डाट कंप्लीट कर देंगे। इसका गला हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, हमें जो भी गला पसंद है हम उसको बना सकते हैं। मैं इसका गले की डिजाइन मैंने पीछे की तरफ एक गला बनाया है। हमारा पीछे वाला भाग कंप्लीट है और मैंने पीछे की तरफ इस डिज़ाइन में एक गला बनाया है। आप अपने हिसाब से इस गले को बना सकते हो। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारे पीछे का गला कंप्लीट है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम बाजू वाले भाग की लंबाई नाप लेंगे। इसे हमारे पास 7.5 इंच। अब हम बाजू वाले भाग को 7.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से लेके हम इसको नाप लेंगे। हमारे पास 7.5 इंच और 7.5 इंच की हम आस्तीन के बाजू वाला भाग की कटिंग करेंगे। इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए मैं इसकी लंबाई रखूँगी 9.5 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच पे एक मार्क कर लूँगी। इसको मैं आगे बढ़ा के एक लाइन डाल दूँगी और यहाँ से लूँगी मैं 7.5 इंच। 7.5 इंच को यहाँ पर बढ़ा दूँगी और इसको हल्के हल्के हाथों से गोल लेते हुए इस तरीके से कर दूंगी और इसकी मोहरी लूंगी मैं 5.5 इंच। 5.5 इंच पर एक मार्क कर दूंगी और इसको यहाँ से यहाँ मिला दूंगी और ये मार्जिन के लिए। अब इसकी कटिंग कर दूंगी।
ये हमारे पास आज से कंप्लीट है। फ्रेंड्स, ब्लाउज के दोनों भागों की मैंने कटिंग कर ली है।